नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी में उपचुनाव है और मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक सीट है मीरापुर, यहां पर भी 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। और इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के धीरा एडी गाँव में है, जाट बहुल ये गाँव है। इनसे बातचीत करेंगे। जयंत चौधरी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है, कैसे देख रहे हैं जाट? अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो सुम्बुल राणा है, राणा परिवार की बहू है, सपा की तरफ से प्रत्याशी है। तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं जाटों के मन की बात। जी क्या नाम है आपका? राजीव राठी। राजीव जी, सीधा सवाल है, चुनाव है जी मीरापुर में जी, क्या लग रहा है इस बार? लोकदल ही है जो कुछ है यहाँ पर, प्रत्याशी लोकदल का ही जीतेगा जो बीजेपी गठबंधन है। प्रत्याशी जो आई है बहुत कैसे देख रहे हैं? अच्छा प्रत्याशी, पहले भी उपचुनाव जीत चुकी है, फिर जीतेगी। सही उतार दिया, बिल्कुल सही कदम है, बिल्कुल सही कदम है। ये देर की प्रत्याशी उतारने में जयंत ने, ये बहुत अच्छा कदम है इनका, आखिरी दिन उतारा बिल्कुल, आखिर बिल्कुल ये कारगर कदम है। समीकरण देखा जयंत ने इस बार? नहीं, करण समीकरण ये मजदूर और जाट और ये छोटा तबका जो है ये सभी साथ में हो जाएगा, मतलब सारी जातियों को जोड़ दिया, पिछड़े में टिकट दिया है। हाँ जी, 34 बिरादरी सेम हो जाएगी। अच्छा, जो लाइन में थे काफी लोग जैसे टिकट की, कोई नाराजगी भीतर गात तो नहीं होगी? हो जा थोड़ी बहुत बिरादरी वाद में नाराजगी रही है, जाट सब किसी की हो गया, किसी से गुज्जर से हो गया, थोड़ा सा विरोध था ठाकुर से भी हो। नहीं, जो टिकट मांग रहे थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, संजय राठी, अजीत राठी, रमा नागर, यशिका। संजय राठी को हम वोट देते, हो सकता कोई और किसी को आतराज हो, ये प्रत्याशी सबके लिए अच्छी है। मिथिलेश पाल सही निर्णय, सही निर्णय है, दुरुस्त है, बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, वेलकम है बिल्कुल। दबा के वोट मिलेगा? 100% वोट मिलेगा। अच्छा, गंगा स्नान आगे जैसे बीच में, ये थोड़ी सोचने की बात है, इसमें थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए, ये 3-4 रोज पीछे हट जाए तो चुनाव तो थोड़ी सी उसमें परसेंटेज घट सकती है, वोटिंग परसेंट घट सकती है जाटों की। काफी बड़े लेवल पर ये मेला लगता, हाँ, है। मेला लगता है, बड़ी संख्या में लोग, ये खासकर जाट और गुज्जर ये दो बिरादरी अधिक मानते हैं गंगा स्नान, और इसी विधानसभा का क्षेत्र है, इसी से वही है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि लुटिया डूब जाएगी? नहीं, लुटिया तो डूबने दे, ये थोड़ा चुनाव 2-3 रोज पीछे हो जाए तो कोई बहुत अच्छे से जजमेंट हो, मतलब बहुत बड़ा इशू है, इशू है ये, हार जीत तय करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, ये गंगा स्नान करेगा तो गलती हो गई क्या? हाँ, ये गलती है थोड़ी सी। अच्छा, ये बताइए किसे टक्कर है? काफी प्रत्याशी हैं इस बार, यहाँ किसी से कोई टक्कर नहीं होने की, किस तो टक्कर होगी? कौन सा पहलवान तगड़ा लग रहा है? पहलवान तो भैया कादिर राणा को मान ले, जो कुछ हो वो भी जब हो सकता है, जो सारा मोमडन इकट्ठा चला गया। इस बार तो 4-5 प्रत्याशी हैं मुस्लिम, अरे इनका कोई कोई दे कोल फेल नहीं होता मोमडन का, ये कब कहां किस पर चले? शाहिद हुसैन लड़ रहे हैं, रुड़कली वाले जोजे हैं, वो आजाद समाज पार्टी की तरफ से, कुछ जोजे नु कह रहे हम देंगे, कुछ नहीं कह रहे हम नहीं देंगे। एक और जोजे हैं शानदार, अब तो यही तो बताओ, एक ओवैसी के भी प्रत्याशी राणा, राणा दो राणा परिवार हो गए तो ये जो जमो से हो गए तो बंटवारा होगा क्या? बंटवारा होगा इस बार, बंटवारा होगा, इकट्ठे नहीं जा रहे, इकट्ठे नहीं जाएंगे। जो क्या सराय मुस्लिम समाज का, सपा को वोट करते हैं अधिकतर, ये छोटी तबका ही हो ज्यादातर, तो सपा पर जाकर जो जाओ वो जाकर अपने वाले, यही समीकरण बन सकता है। इसी का लाभ मिल रहा है, इसी का लाभ मिला, जीत मान रहे हैं? जीत है, 100% जीत होगी, 100% जीत होगी मिथिलेश पाल की। गणेश जी सीधा सवाल है, क्या लग रहा है मीरापुर में? लोकदल भाई, लोकदल भाई, लोकदल। हाँ जी, प्रत्याशी तो बीजेपी का आ गया, नहीं वही निशान लोकदल का। हाँ जी, नल और प्रत्याशी बीजेपी का कमल। हाँ जी, नहीं लोकदल, हाँ लोकदल, नहीं बीजेपी का, भाजपा में थी। हाँ जी, मिथिलेश भाजपा में थी। हाँ जी, भाजपा की प्रत्याशी है ना? हाँ जी, मानते हैं इस बात को? हाँ जी जी, प्रत्याशी भाजपा की, भाजपा की थी, बीजेपी इसमें लोकदल में आई है, लोकदल का, लोकदल का है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, चुनाव फंस तो नहीं गया? नहीं नहीं, फंसने का नहीं, कोई नाराजगी नहीं, ना कार्यकर्ताओं में? नहीं ना, अजय हम तो जान चौधरी का आदमी, जहाँ वो कहता वो तो भाग ही रहे, हटना नहीं बिल्कुल भी। जयंत पे तो आवाज भी उठ रही है काफी पार्टी के अंदर से ही, उठती होगी, अखिलो देखते रही हो? नहीं, आवाज उठ रही है नाराजगी की, टिकट नहीं, नहीं कोई हम तो नहीं नाराज, लोगों को टिकट दे दिया अजी, ये तो दुनिया आ गई, तेन तो झूठ वो तो क्या ही दे, और ये जाके कहाँ भाजपा वाले बेचारे, हाँ भाई जब गठबंधन से आएगा, आवाज ये उठ रही है क्या लोकदल में कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या? नहीं, टिकट
उधार का ले लिया आपने, मतलब प्रत्याशी? अजी नहीं, इस बात भी नहीं हम जानते, हमने तो भाई जान कुछ जो हमारे जात ने कर दिया उसको हाजिर मान लगे। अजीत राठी ने भी कहा है कि उनका निर्णय है वो सर माथे, हां जी हां, कोई नाराजगी नहीं है अजीत राठी की नहीं, लेकिन जो नॉमिनेशन के दिन तो गए नहीं ये लोग। नहीं नहीं नहीं, प्रभात तोमर गुड्डू नहीं गए, अजीत राठी सुनो तो भाई, नेता कम से 20 साल सेवा करो, जब टिकट भी लो वो नहीं मिलता, बोला हमने तुमने आज कर लिया कल को टिकट दे दिया। कम चौधरी साहब ने कहा थे, बोला कहते 20 साल सेवा कर मेरी, जब टिकट दू मन देने का नहीं है, थी नहीं बात नहीं। तो सेवा में कमी है भी इनकी अभी? हाँ सेवा में कमी है कि अपने हिसाब से जो जैसा दे रहा टिकट ठीक दे रहा, बढ़िया सब बढ़िया कर दिया, बढ़िया जी फर्स्ट क्लास कर दिया। अच्छा चुनौती किससे है, कौन सा पहलवान तकड़ा लग रहा है सामने? हमें तो अपना लग रहा है बढ़िया, असली बात तो हम तो कुश्ती तो होगी, तो हाथ किससे मिलाना चाहेंगे? हाथ भाई ये मोमदन सारा इकट्ठा है तो बात दूसरी है नी, और होता तो नहीं मोमदन तो नहीं हो जा इकट्ठा भाई, ये भाई नरेश ये ना सुन के एक हो जा, ना सुन के एक हो जाए, और जाट हम तम नहीं होने जल्दी से हिंदू कम होगा, और यो चल टिकट आधा दे दिया, ये हमारा चाचा खड़ा है, चाचा लगो भाई लगो, यो अड़कर आगा छत्तीसगढ़ को अन्य पीछे पड़ जाता हमारे साथ, मतलब टिकट बढ़िया दिया, मतलब बढ़िया फर्स्ट क्लास। बहुत चिंतन हुआ, काफी लोगों को दिल्ली बुलाया चाय पे, चर्चा हुई और सबको चौंका दिया, बजी बढ़िया कर दिया, बहुत ही बढ़िया। चर्चा चल रही थी अजीत राठी और अजी राजपाल सैनी की, अरे कतेक दिनों के चल रहे हैं, ये तो ये 5 साल कल आ रहे नहीं सोचा टिकट देते तो मतलब नहीं वाक टिकट देते, 20 साल सेवा करो जयंत की जब टिकट देगा तो जाट किधर जाएगा? जाट तो मिथिलेश पाल पे जाएगा, टूटेगा पूरा, गंगा स्नान पे भी तो जाएंगे अजी, वन से उठ के रणा हो गए, घबराओ ना तुम, कौन से उठ के रड़ा होगा, हम तो या डेरों में दूसरी दुनिया में रहेंगे, और क्या था वही वो लग बातें करा पोलिंग वही लग वहाँ करवा दो, उससे बढ़िया कुछ नहीं, वही उठ गिर जगह सही होता है। ये तो सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ मैं, अफगानिस्तान का भी नुकसान है क्या? नहीं नुकसान का ही तो हमारा, ये तो हर साल हमारा कहेगा बीच में आ रहा है ना गंगा स्नान, अरे आ जाके है नुकसान है, गंगा ना उसका नुकसान है, 15 का गंगा स्नान है, 13 का चुनाव है, हां नुकसान है, काफी नुकसान है, कई दिन पहले चले जाते हैं लोग, कई दिन पहले 12 तारीख में चले जाने, 11 तारीख में चले जा रहे हैं, तो संख्या भी बहुत भारी होती है। हां बहुत भारी होती है, कितना नुकसान मान रहे हैं? कम से कम 50,000 50,000 का जी हां, तो ये तो हार जीत बहुत बड़ा इशू है, तो गंगा स्नान ने गहन फेर दिया गया, गहन फेर दिया गया अरमानों पे, फेर भी सको ये 50,000 वोट वहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि जट्टों का आप यो मान के चलो सोजनी घटैन और ये थारे जितने भी इसी उसके गाँव है सारे सब यहाँ आते हैं, तो बताओ फिर वोट कहाँ जाएंगे, महिला भी घटेंगी, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा, लोक दल का वोटर गंगा स्नान करेगा और साइकिल चल जाएगी साइकिल तो चलने मुश्किल है, साइकिल तो चलने के या केतली में चाय बन जाएगी चाहे जीत जाएंगे, नहीं 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 कुल मिला के यो धीरेड़ी का टोटल लोक दल, लेकिन परसेंटेज कम रहेगी, हाँ परसेंटेज शुक्र ताल के उससे और कोई कमी नहीं, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? लोक दल का ही होगा, हाँ नहीं तो बेचारे हमारे ना ही है जी, ये भी हमारे साथ आजाद पार्टी कैसे चाय बन जाएगी, दिल्ली में क्या हुआ है चंद्रशेखर रावण के साथ में क्या हुआ है दिल्ली में, माइक ले लिया गया मुस्लिम मुस्लिम ना अल्लाह अकबर बोलने को बोला है, तो क्या क्या जजमेंट करोगे आप इनका, चंद्रशेखर क्या जजमेंट है, वो कह रहे थे हमारे मंच को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे राजनीति, तो बुलाने वाले भी तो वही थे, बुलाने वाले तो मोमडन ही है, वही बुलाते हैं, पोस्टर फाड़ दिया उनका, पोस्टर फाड़ दिया और मारपीट हुई वहां, तो वीडियो पड़ी है, तो केतली कोई फैक्टर नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, लड़ाई लोकदल और राणा, राणा परिवार से नहीं गया और कुछ नहीं है, कुश्ती बड़ी कुछ नहीं है और तो सब बस ही है, अच्छा छोटा मोटा लड़ाई किसी का नंबर नहीं आता, ना राणा परिवार से ये लड़ाई चल रहा है, हां बस राणा परिवार से और किसी से, राणा उसी से रखा है, राणा परिवार की पुत्र से उसी से है कुश्ती, बस बस उसी से, तो चुनाव एक तरफा है या फसा हुआ है, नहीं मारे हाथ एक तरफा मारे गांव का एक तरफा, और बाकी जो जाट है क्षेत्र में उनका क्या रुझान लग रहा है, उनका भी ठीक रुझान है, कोई नाराजगी नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये टिकट को लेके या मिथिलेश का ये तो चलता ही रहा है कि भाई मिथिलेश को लेकर कोई नाराजगी नहीं, 5-4 दिन में सब वहीं आ जाएंगे जहाँ ना आना, समझ अभी तो थोड़ी सी नाराजगी है, अभी है अभी है, मना लेंगे सब मना लेंगे, जिस दिन जाए थे आ जाएंगे ना उसी दिन सब एक थाड़े में, अच्छा सब जी क्या नाम है, मिसपाल, सीधा सवाल है आपसे, किधर जा रहा है मीरापुर का इस बार
मेरा फिर तो इस पर जा रहा मिथिलेश पाल पर, मिथिलेश बीजेपी का आदमी है, हम वोट दे मिथिलेश पाल को। तो आपकी तो मुराद पूरी हो गई, प्रत्याशी आपका आ गया? नहीं प्रत्याशी किसी का हो, उसको तो शिकंजे में ले लिया भाजपा वालों ने। शिकंजे में कहा ले लिया अपना, क्या दुष्यंत चौटाला बना के मानेंगे? नहीं नहीं, छोड़ के तो नहीं भागेंगे अंत में? नहीं नहीं, दुष्यंत तो जीरो हो गया हरियाणा में, पहले जीताया, पहले जीताया। सहकारी समिति सारी ले ली इस बार बीजेपी वालों ने जयंत से, गन्ना राजनीति भी खत्म कर दी और टिकट भी अपना, प्रत्याशी भी अपना दे दिया। हराते भाई, हम तो भाई पक्के बीजेपी के गठबंधन में वोट देंगे जयंत को, जयंत को, जयंत को देंगे मिथिलेश को। हाँ तो जीत रहे हैं या पिछड़े हैं? जीत रहे हैं, बिल्कुल जीतता का 90% जीतता, 90%। और गंगा स्नान का नुकसान नहीं होगा? गंगा स्नान का जैसा हमारा गाँव ऐसे मन नहीं होने का। आपका अकेला गांव तो नहीं है, और भी गांव है? हाँ वैसा होगा, 10% का, 10% का होगा, बहुत ही आदमी वोट गिराना होगा। 10%? हाँ अच्छा, 10% 10%। अच्छा, चुनौती किससे है? चुनौती तो इससे, राणा से। राणा से ही है? हाँ। और ये केतली वाला, ये तो केतली पेतली ना ना ना, हुसैन का भी ना जी, किसी का नहीं, दूसरा नंबर इसका होगा। अच्छा कादी राणा से ही है लड़ाई? हाँ लड़ाई, राणा परिवार। कपिल लाठी, किसान सेवा सहकारी समिति भोपा का चेयरमैन जी। चौधरी साहब सीधा सवाल है, हाँ जी, क्या लग रहा है मीरापुर में? भाई साहब मिथिलेश पाल जीत रही बहुत भारी मतों से, जाट तो नाराज लग रहे हैं, कह रहे हैं हो जाओ ना 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 ना, प्रत्याशी नहीं मिला लोकदल का। कोई बात नहीं, सब वहीं आ जाएंगे, लौटने में गेल लेंगे हम। भाई चुनाव, हम तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग, क्योंकि हमने 2013 का दंगा झेल रखा है, हमने वे सारी चीज, और कादी राणा जिस तरह सब चुनाव बता रहे, कादी राणा तो उस दंगे का मुख्य आरोपी, उसने तो हमारे साथ दंगा ही करवाया, हम लोगों ने झेल ली वे व्यथा। हमारे ट्रैक्टर ट्राली वहाँ खुद के फंस गए थे, वहाँ हमारे बच्चे वहाँ रह गए थे, हमारे बुढ़े रह गए थे, हमें तो बताओ 2013 के दंगे का। अब ये केतली बाल्टी ये सब भागे फिर हो जाओ, कोई बात नहीं, इन सब कुछ नहीं है। और मिथिलेश पाल हम लोगों के बीच से गई हुई है, और सबसे बड़ी बात है गठबंधन, एनडीए का गठबंधन, अगर कुत्ते के गले में भी पट्टा घेर के भेज देंगे ना, हम उसे जिताओगे, क्योंकि इन्होंने 2013 के दंगे में हमारा साथ दे रखा है, और साथ एहसान को कभी किसी को बोलना चाहिए अपना। योगी को वोट देंगे, योगी को देंगे वोट, और गुंडे रे बस। प्रत्याशी आपका ही हो गया? हाँ वही हो, चाहे कोई आ जाओ, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए। हाँ। सिंबल ले लिया लोकदल का, अजी कुछ भी, सुनो मेरी, कुछ भी हो सबसे बड़ी बात है, एक बात तो बताओ, सुनो सुनो, अजीत सिंह सब जगह गए जी, जयंत सब जगह गया, चौधरी चरण सिंह एक मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे, उन्हें किसी ने भारत रत्न दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दिया, ये हम लोगों के सम्मान की और गर्व की बात है। दुष्यंत को मिल गया था, दुष्यंत को तो जीरो कर दिया। अजी दुष्यंत ने क्या दिया वहाँ, कुछ दिया जाटो? कुछ नहीं मिला दुष्यंत, छोड़ दिया ना? है जी, अजी एक बात तो बताओ, कुछ नहीं, चौटाला बनेगा क्या कौन साहब का? नहीं चौधरी ना ना, कतई भी नहीं बन सकता। ये देखो एनडीए गठबंधन, अखिलेश ने भी करा, सिंबल किसका था और कैंडिडेट किसका था, अंतर क्या हुआ फिर? ये वही ना, इसीलिए तो आए थे छोड़ के, यही तो दर्द था, और ये अभी भी चल रहा है। मिथिलेश पाल पहले भी राष्ट्रीय लोकदल में थी, बीच में आ गई थी, यहाँ पर भी गई है जी, वो कहीं भी चली गई, वो बिचारी हम लोगों के, आपको बताऊं, जब वो पहला विधायक थी ना, हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान थे चौधरी वेदपाल सिंह राठी, 7-8 आदमी लखनऊ गए रात को, वहां पर 8-10-11 बजे इनके मकान पर पहुंचे मिथिलेश पाल जी के, वहां पर कोई भी आदमी नहीं था, मिथिलेश पाल जी ने 11 बजे खुद अपने हाथों से खाना बना के खिलाया था। हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं जी, और फालतू की राजनीति नहीं हम जानते, जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग, मिथिलेश पाल मिट्टी से जुड़े हुए हैं जी, इसलिए अजीत राठी थे मिट्टी से जुड़े हुए थे जी, रामानगर नहीं थी, रामानगर थी, पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती, जो अति पिछड़ा वर्ग था ना, हम तो दे देते, हमारा कुछ नहीं चाहिए, तो जाट है ना, 4 दिन में अगर बुढ़ा के धमका दे, जितने ये विरोध करा ना उतने ही धमका, तो सब सही हो जाए, अति पिछड़ा कोई नहीं जाता। किधर जाते ये लोग? ये इधर भाग जाते, ये उस पर भाग जाते, केतली पे चले जाते, कोई कहीं चला जाता, कुछ अपने घर बैठ जाते। केतली से तो मुस्लिम थे इस बार तो, अजी मुस्लिम पड़े हो, चंद्रशेखर तो था वहां, युवाओं का लगा, आप देखियो हरिजन युवा उधर की तरफ को भागा। अच्छा हाँ जी, तो
मिथिले जीत रही है 100% जीत रही है हाँ जी। इसमें गंगा स्नान आ गया कुछ भी आ जाओ जी हम लेकर आओ। एक बात तो बताओ मानो पे सुन लो 2013 के दंगों में हम लोगों ने उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो गंगा स्नान में हम नहीं करने के ट्रैक्टर ट्रॉली इसलिए नहीं खड़े वहां से लाकर सारी वोट अपनी डलवा कर जब भेजें कोई समस्या नहीं है। अगर किसी के दिमाग में कोई फतूर हो कि जाट वोट बहक जाएगा या गंगा स्नान वोट है एक एक वोट डलेगी जी हमारी ये वादा आपसे और कई हजार वोटों से जीतेगी जी कई हजार वोटों से जीतेगी सारे नेता लोग दल के विधायक सारे गायब थे राठी गायब थे प्रभात तोमर गायब थे सुन तो वो लोग टिकट मांग रहे थे वो सुनो मेरी वोटर तो नहीं वोट मांग रहा था अजीत राठी ने तो दंगा झेला हमने दंगा झेला पर बात तो मरना दंगा झेला हमने झेला ये टैक्स ट्रोली वहीं खड़ी रहेगी थी जो उनसे यहाँ खड़ी तो वोट हमारे डलवानी अजीत राठी पर बात तो मर ये नहीं डलवाने के हम डलवाओगे नेताओं का कोई दर्द नहीं है कोई दर्द नहीं है हम तो जी गठबंधन के साथ में जाना यहाँ सिर्फ एक नेता जी अपने पास अपना बताओगे हमारे मंडी जिले में एक नेता रहता अमित राठी आपने भी जानते होंगे उनका भी टिकट कट गया कोई बात नहीं उनमें क्या कमी थी वो भी मेहनत कर रहे थे सुन दो इस बात को तो देखो शीर्ष नेतृत्व तो जाने का हम क्या कहते हैं सुनो सुनो इस बात के लिए शीर्ष नेतृत्व अगर आपको अमित राठी है कहते कि हम लोग इसे सपोर्ट नहीं कर रहे मिथिलेश पाल को या हम नहीं कर हम लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं गठबंधन से जुड़े हुए लोग हमने वे दंश झेला जी 2013 के दंगे का हम लोगों ने मिट्टी से जुड़े लोग हमें सब पता कहाँ क्या करना तो टक्कर किससे है किसी से नहीं जी सब फर्जी कुछ नहीं है सुनो मेरी जोजा बिरादरी इसे वोट नहीं करता रंगड़े हो 5-6 हजार रंगड़े यहाँ कुछ नहीं है जोजा वहां चला जाएगा चमार आधा चला जाएगा इधर मायावती पर आधा उधर और ये अति पिछड़ा जितना भी वोटर बीजेपी का सब बीजेपी के पास जाएगा आप निश्चिंत रहिए मिथिलेश पाल कई हजार वोटों से जीत रही जी 50 हजार वोट तो गंगा स्नान में रहेगा अजीब है सारी यही आ जाएगी सुनो मेरी उस दिन दूध लेने तो काम है ऐसी बात थोड़ा ही है कि भाई छाया दूध लेना होगी वोट के लिए जाएंगे अच्छा दूध लेने तो बारी बारी से आएंगे हाँ बिल्कुल आएंगे महिलाएं होंगी अजी उन्हें बुलाएंगे लेकर आएंगे ये महिला भी बड़ी है सबके गिरवा तो इकट्ठी कर दो जो जो जाट के हके ना वे उनकी महिलाएं जाती उनके घर से कोई नहीं बाकी और बिरादरी है वो तो आऊंगी सुनो मेरी उसके बाद हरिजन जा हरिजन चला जाओ हमें कोई समस्या नहीं है हम अपनी एक वोट का पता महिला हमारी यहाँ रहेंगे हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनी थी क्योंकि 2013 में इन माताओं बहनों ने अपने पुत्रों के अपने हस्बैंड के सब चीजों के देखे ही दंगे मवाद सब फंसे हुए थे तो ये कोई नहीं रुकने सब वोट गिरने जाएंगी और एक एक महिला तीन तीन वोट गिरेगी मेरी जिम्मेदारी आप आ जाइयो 13 तारीख में बूथ कैप्चर करवा के दिखा दूंगा इस गाँव में सब मिथिलेश पाल पे एक लब्बा कोई वोट एक्शन नहीं गिरने की जिम्मेदारी हमारी आ जाइयो आप जीत का दावा कर रहे हैं 100% और जो लोग नाराज हैं उनको मना लें अजी सबको मना लें क्या बात कर रहे हैं आप अगर बेटा बाप से नाराज है भाई भाई से नाराज है ये भी कोई नाराजगी हो गया तो कोई लड़ाई नहीं मान ना जी कादिर को कैसे वोट दे देंगे हम लोग नाराजगी आपस में हो सका कादिर के खिलाफ तो खुली दुश्मनी जी हमारी वो तो भगवा चोला ओढ़ के घूम रहे हैं पट्टा डाल लिया उन्होंने किन्होंने कादिर राणा ने अजी झंझुना डाल लिया वो तो वहां भी था मुजफ्फरनगर उन्होंने वहां पर भाषण दिया था उसके बाद दंगा स्टार्ट हुआ था उन लोगों की ही तो गड़बड़ थी जिन्होंने यहाँ दंगा करा सुरेंद्र सिंह और मंजुल सैनी का ट्रांसफर कराना उन लोगों अमीर आलम का उनका इन लोगों के कारण ही तो इस जिले में दंगा हुआ जी पार्टी में अमीर आलम परिवार अजी कुछ भी रहो बैग में तो आपने देखा कहीं घूम रहा अगर यहाँ आपने दिखा दिया हमारे विधानसभा चुनाव में हम आपके साथ चल देंगे अगर दिखा दो यहाँ पे घूमते हुए घूम नहीं सकते वो लोग इसलिए पीछे चले गए हाँ जी कैसी बात कर रहे हैं 100% जीत मान रहे जीत होगी जीत 1000% जीत है जी ये हाँ बिल्कुल हाँ सही दिया क्या नाम है आपका रमन सैनी आपके भी थे प्रत्याशी राजपाल सैनी अजी हाँ जी कोई नाराजगी तो ना नहीं हमें उससे नाराजगी नहीं है मिथिलेश के साथ हैं भाजपा के कैंडिडेट हम भाजपा का ही रहेंगे उन्हीं को वोट करेंगे उन्हीं के हैं कुछ फर्क नहीं है किसी को भी दो भाजपा टिकट जिसे भाजपा टिकट देगी हम उसके साथ है कोई भी हो अच्छा उसी के साथ है मिथिलेश पाल सचिन राठी जी राठी जी सीधा सवाल है जी मिथिलेश आ गई हैं जी कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को चौधरी साहब के बढ़िया निर्णय है ईमानदार कैंडिडेट है वो भली है भली का काम है राजनीति में हाँ है क्यों नहीं जो अपना काम करा अच्छी करा बेईमाना काम है इसमें नहीं नहीं तेज तर्रार नेता बोलते हैं तेज तर्रार नेता है आप कह रहे हैं भली है तो उस विषय में मेरी नहीं तो वोट तो अच्छे भी देना चाहिए ना पहले रही है जैसे सही काम किया इन्होंने बढ़िया काम करा नंबर एक कैंडिडेट सही रही उपलब्ध होती थी मिलती बिल्कुल अजी खुद चाय बना कर लावे तो कोई नाराजगी नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल सब बल्ले बल्ले वोटिंग देख लो आप कितनी होगी गांव से और पूरे इलाके में जैसे जाल्ट बेल्ट है पूरी ये आपकी बिल्कुल कहाँ देंगे
वो तो आप कहाँ देंगे, प्रत्याशी आ गए मिंटू राठी कुछ नहीं वाले निर्दलीय लोग आज दो दो तीन तीन पीछे से पार्टी मिला हुई तो जीतेगा निर्दलीय कहाँ जीतेगा, तो नुकसान तो करेंगे ना सविंदर राठी अजी छत कुछ नहीं होने का। 50,000 रुपए में इकट्ठे करके रखे खड़े कादी राणा ने जी, कादी राणा ने सब 50,000 रुपए में इकट्ठे करके रखे खड़े, कोई 5,000 ले जाएगा कोई 2,000 और जिनका अपना भी नाम लिया वे मुश्किल से 2,000 वोट नहीं लेने की जिम्मेदारी मेरी, आप आ जाइए उस दिन बाद जिस दिन पर रिजल्ट होगा और मेरे से मिल लो आप, अगर इन्होंने 1800-1900 भी कर दी ना मैं आपके लिए जो भी कहोगे आप दंड का भागी, तो नुकसान तो करेंगे ना कुछ नहीं करने के उन्हीं के ले जाएंगे इतने, अगर मान लिया 1800 में 900 मरे जाएंगे तो 900 उनके भी जाएंगे मरे मरे जाएंगे, नुकसान करेंगे। हाँ जी 1000% किसी बात करें भाई साहब, चुनाव तो में लड़े थे बिजेंद्र सिंह लड़े थे यहाँ से जट्टों में, क्या हुआ फिर कौन जीतता था यहाँ से, चंदन जीत गए थे फिर तो नहीं जीत जाएगी, जाटों ने वोट नहीं दिया था बिजेंद्र चौधरी फिर, अभी तो वे तो वे तो पार्टी से थे, हाँ से थे वो, हाँ वे जब भी हारे फिर क्या हुआ, तो इस बार अब देख लो वो निर्दलीय है लोकदल और बीजेपी, बिल्कुल 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 कोई ऑप्शन ही नहीं है जाने का, कहाँ जाएंगे, टक्कर किससे लग रही है वैसे, सामने कौन है तगड़ा पहलवान, तगड़ा तो दिख नहीं रहा कोई, किससे तो कुश्ती होगी क्या बता दीजिए, हरिजन के भी दो कैंडिडेट है, कहाँ किससे टक्कर होगी, बसपा भी जाएगी राणा परिवार की बहू, ना 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 अजी मैं तो यहाँ दंगे राणा परिवार के यहाँ से बहुत आर एल डी से बहुत वोट मिली थी हमारे गांव से, बहुत वोट मिली थी यहाँ से उन्होंने, और ये कहा था उन्होंने कि राणा जब भोपा आता ना यहाँ टिकट लेना उन्होंने कहा था जीत सिंह के झंडे में पटका में जाऊंगा और वो छोड़ का भाग जाता, तो राणा का तो कॉल फेल कोई है ही नहीं यहाँ से, भाई साहब ये बूथ अध्यक्ष टोटल वोट चली गई थी छोड़ के, ये तो छोड़ के नहीं गए, मिथिलेश पाल ने तो निकाज के झंडे में मरवा निपट का अजीत सिंह के, देखो जी राजनीति छोड़ के तो गई थी, छोड़ आ गई थी सपा में चली गई थी और अब जी उसके बाद भाजपा में आ गई थी, चलो वे दंगे 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 में तो नहीं रही है जैसे भाषण तुम देते वहां पर, बापू बेटे का झगड़ा होगा उसको कोई जमीन से बेदखल थोड़ा ही करते हो, ऐसा तो नहीं सुबह का बुला कर शाम को घर वापस आ जाओ, सो बुला नहीं करते भाई साहब, ये बूथ अध्यक्ष है जी हमारे इस गांव के, आपको बता रहे हैं इनकी फोटो ले लो और सर्ची लेके 13 तारीख में एक वोट अकेला अपने हाथ से ठप्पा मार देगा और कोई वहां का दूसरा हमें बताइए आया, सब मिथिलेश पाल, सब मिथिलेश पाल, जसवीर जी चुनाव है सीधा सवाल है किधर जाएंगे जाट, हम तो भाई भाजपा के हैं, हम तो भाई भाजपा में जाएंगे, तो सब सारा काम हम तो भाजपा में जाएंगे, भाजपा मिथिलेश कैसी प्रति है, ठीक है बढ़िया, पहले कर करके काम बढ़िया करके, ये गांव 70% बीजेपी का बढ़िया करके सब कुछ ठीक चल रहा है, सारा इंडिया का सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया जी सब बढ़िया, टक्कर किससे होगी, टक्कर का हमें कुछ पता नहीं, हम तो अपने वोट का, अच्छा बताइए बीच में गंगा स्नान आ गया नुकसान होगा इसका, गंगा स्नान का नुकसान होगा, कुछ नहीं होने का नुकसान, बहुत जनता जाती है पढ़ी जाओ सब सब वोट गए, मैं तो गंगा स्नान जिस दिन गंगा स्नान ना सब उस दिन जा, उस दिन का वोटिंग है गंगा बाहर 13 का है 15 का है गंगा स्नान, हाँ तो उसमें कौन सा सब यहीं रहे, बाकी लोग आते हैं काफी दूर दूर से, वो दूर से आते रहोगे मैं डर सा जाए, मीरापुर विधानसभा चली गई ना कटाया ना सोच नहीं, सब सब अपने वोट करोली बेहड़ा टनेड़ा सब अपने वोट डाल जाए, चाहे वहां तो पीने खाने वाले जा तो वोट तो उनका भी है, तो फिर अपने पिए भेड़ा दे आ लेंगे, हाँ जी चौधरी साहब जी नाम बताइए, अमित राठी जी, राठी जी जो टिकट मिला जी कैसे देख रहे हैं इसको, हम तो अच्छा देख रहे हैं, पिछले साल को सही दिया टिकट बिल्कुल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ना ना ना, तो किससे है मुकाबला, मुकाबला तो हम तो यही देख रही, हम तो सही देखा यही करेगी, जिसके लारा करेगी मुकाबला, तो कोई पहलवान होगा जिससे टक्कर होगी, पहलवान तो टिकट तो कई हो गए सब पता सारे के सामने टिकट इसका हो रहा है, मतलब 4-5 मुस्लिम हो गए, हाँ कादिर राणा परिवार की बहू है, शाहिद है, शाहनजर है, और एक अरशद राणा भी आ गए ओवैसी की पार्टी से, भाई जब लड़ रहे तो आपस में कैंडिडेट तो आपस में करेगा ही, वो उसकी करेगा वो उसकी करेगा, काट तो दोनों तरफ होगी, बीच में गंगा स्नान आ गया, ये क्या पता इलेक्शन 20 तारीख में चले जा, फिर उम्मीद कर रहे हैं, हाँ किसके का? हाँ अभी तक तो किसका नहीं, अगर नहीं खिस सकता नुकसान होगा, नहीं बस जो हिंदू तो जो अपनी खेलने वाला हो तो घेर को जाएगा, घेरन भी हाँ घेरागा जी, वोट वोट डलेगी, हाँ जी, और नल चलेगा और कमल खिलेगा,
जीत रहे अजय, हम पहले जीत गई तेरा फिर जीतेगी, जीता के मानेंगे। हाँ जी ठीक। थे धीराड़ी गांव के जाट, इनका साफ कहना है कि जो टिकट दिया है चौधरी साहब ने वो सही दिया है, सोच समझ के दिया है और कोई बंटवारा नहीं होगा जाटों में, सभी लोग मिथिलेश पाल के साथ हैं और जो दंगा झेला है उसका दंश अभी तक ये भूले नहीं है और कादिर राणा का पुरजोर विरोध करेंगे और यहाँ से नल चलेगा और कमल खिलेगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नमस्कार।